और देखिए राम जन्मभूमि महोत्सव हर घर को मिले पूरी बिजली। बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री की मंशा को पूरा करने में जुटा है ऊर्जा विभाग। प्रदेश भर में भव्य सजावट के चलते पावर लोड बढ़ने की चिंता है, जबकि दूसरी ओर रबी की पीक सीजन से वैसे ही लगातार बढ़ रही है बिजली की मांग। रोजाना 3,300 से 3,400 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी है बिजली की मांग। भव्य सजावट और घरेलू सप्लाई से पीक टाइम में 1500 मेगावाट का शॉर्टफॉल देखने को मिला है। और ऐसे में घरेलू बिजली देने के लिए इंडस्ट्री में शुरू किया गया है अस्थायी कट। सभी डिस्कॉम को लोड मैनेजमेंट के हिसाब से 4 से 5 घंटे के इंडस्ट्री कट के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी लगे हुए हैं अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था में। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था होने पर नहीं लगेगा इंडस्ट्री में भी कट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? हाँ देखिए, बिल्कुल, जो राम जन्म महोत्सव है, इस महोत्सव में पूरे प्रदेश भर के अंदर भव्य सजावट होगी। चाहे वो बाजारों की बात करें, चाहे वो घरों की बात करें, हर जगह लोगों में उत्साह है। इस उत्साह के बीच में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर के है कि बिजली की इस वक्त जबरदस्त किल्लत है। उस किल्लत के बीच में अगर रोशनी होती है तो और भी लोड मैनेजमेंट करवा सकता है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ निर्देश दिया है कि हर घर में कोई कटौती नहीं हो। इसी के चलते जो ऊर्जा विभाग है वो लोड मैनेजमेंट में जुटा हुआ है। उस लोड मैनेजमेंट के हिसाब से ही ये तय किया गया है कि जो इंडस्ट्री के अंदर सुबह का जो पावर कट है वो किया जाएगा, और पीक आवर्स के अंदर अगर बिजली नहीं मिलती है तो उस दौरान जो है जो इंडस्ट्री है वहीं कट लगाया जाएगा, बल्कि डोमेस्टिक कनेक्शनों को किसी को भी बिजली नहीं काटी जाएगी। अगर बात अभी की तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त अगर जी इसको जी और बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।